विपक्ष अगर दिन रहेगा तो कहेगा रात है, रात रहेगा दिन है, उनका काम ही अगर नहीं बोले कहेंगे विपक्ष। फिर योगी मोदी हैं तो हमारा प्रदेश हमारा देश का विकास हो रहा है, मोदी योगी हैं तो लड़कियाँ कह रही हैं कि हम सब सेफ चल रहे हैं, हम लोग हैं। विपक्ष ने कहा ठगा ठग हम भागते रहेंगे। किसका बनेगा समीकरण ये तो 4 जून बताएगा, लेकिन ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। वोट कास्ट किया है सबसे पहले मंत्री जी, देख रहे हैं कि पूरा काशी घर घर से निकल कर मतदान कर रहा है। काशी वासियों ने राष्ट्र के प्रति मतदान के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मतदान कर निकले हैं। आज इनके उत्साह को देखते हुए हम कह सकते हैं कि काशी में 10 लाख के पार होने जा रहा है। मौन साधना कर रहे हैं मोदी और विपक्ष कह रहा है कि वायलेंस है ये आचार संहिता। देखिए अब विपक्ष का काम ही है कुछ बोलने का, विपक्ष अगर दिन रहेगा तो कहेगा रात है, रात रहेगा दिन है, उनका काम ही है, अगर नहीं बोले कहेंगे विपक्ष। फिर तो अपनी भूमिका निभाते रहें और जनता अपनी भूमिका निभाते रहिए। प्रभु ने कृपा किया है कि अभी विपक्ष में कई साल रहेंगे, जब सोच नहीं है, विजन नहीं है, कर्तव्य नहीं है तो कई साल रहेंगे विपक्ष में। मोदी की काशी और काशी के मोदी, हमार काशी हमार मोदी, ये पूरा काशी कह रहा है। मंत्री जी आपकी बार बड़ा चुनाव की जो तासीर है गर्म रही, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामद्रोही है विपक्ष, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की सत्ता पर जो तालिबानी मानसिकता के लोग हैं उनको बैठने नहीं देंगे, विपक्ष ने कहा ठकाटक। विपक्ष ने कहा ठगा ठग हम भागते रहेंगे। क्या लगता है कि अब की बार जो 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य आप लोगों ने रखा था आखिरी चरण है, अभी भी वो लक्ष्य है? ये जो चुनाव का चला प्रथम चरण से, जो यह हवा चला, हवा बनते बनते आया तूफान में, तूफान बनते में सुनामी हो गया है। आज आप देख रहे हैं काशी के अंदर नेचुरल भी तूफान चल रहा है, भगवान ने कृपा कर रखा है, बदली कर रखा है, अच्छा हवा कर रखा है, मतदाताओं को कोई कष्ट न होने पावे, यह है योग साधना का कमाल। अभी योगी जी ने वोट डाला गोरखपुर में और कहा कि डबल इंजन की सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और मोदी और योगी पर भरोसा है जनता का, ये भी कहा। आज आप देख रहे हैं कि आप जिससे पूछ लीजिए सभी कह रहा है कि योगी मोदी हैं तो हमारा प्रदेश हमारा देश का विकास हो रहा है, मोदी योगी हैं तो लड़कियाँ कह रही हैं कि हम सब सेफ चल रहे हैं, हम लोग हैं। कुछ ही बहन से ये कह रही है कि रात को 12 बजे हम घूमते हैं क्योंकि रात को मोदी योगी की सरकार है, और जब यह हमेशा माहौल बना रहे हर घर की लड़की रात 2 बजे तक फ्री रहे, 3 बजे तक फ्री रहे, हमें चाहिए ऐसा इकबाल, और इकबाल कोई है तो योगी का नाम है। एक और सवाल ये भी है, बड़ा सवाल, जहाँ पूर्वांचल से आप हैं, माफियाओं का राज चलता था, एक छत्र माफिया सरकार के समानांतर सरकार चलाते थे, चुनौतियां देते थे सरकार को, अब योगी जी कह रहे हैं मिट्टी में मिला दिए, मिट्टी में चले गए, और दुर्भाग्य क्या है कि वो सारे माफिया चले गए मिट्टी में, चले गए जेल में, चले गए ऊपर, उसके बाद हमारे अखिलेश बाबू शरीफ आदमी के यहाँ मरने होने पर जाते नहीं हैं, वो जाते हैं माफिया के यहाँ जिस पर 68 मुकदमे हैं उसके यहाँ फातिया पढ़ने जाते हैं, कि जनता देख रही है और जनता उनको नकार रही है, अपराधी के यहाँ जाओगे फातिया पढ़ने के लिए और हमसे वोट लोगे तुम। आखिरी सवाल, विपक्ष कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी की विदाई हो, एक तो कौन सा कहावत है ना, विपक्ष नाव की विदाई हो जाएगी, नहीं क्या बाल छील छाल के सामने आए, नाव कहे कह बाल और छील छाल सामने में गिरी, जब मुंडन कराते गिर जाए। 4 जून को राहुल और अखिलेश का 3 तलाक होने जा रहा है, शाम को देख लीजिएगा किस 3 तलाक से उनको इतनी नफरत है। देखिए ये विपक्ष गठबंधन है, ये एक बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ है, एक बार गठबंधन किया अखिलेश और राहुल की, टूट गया, बेमेल के गठबंधन होता है, आज फिर सब किए हैं, ये फिर टूटेगा। एक बहुत पुराने एक किसी फिल्म गाने में याद आ रहा है, जब दोनों आदमी ना हताश होता है तो गाना गाता है, दोनों कहते हैं कि दोनों किसी को नज़र ना आवे चल दरिया में डूब जाएं, एक किसी फिल्म गाने की लाइन है ना, किसका जी, दोनों किसी को नज़र ना आवे चल दरिया में डूब जाए। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी यही करने वाले हैं कि एक बार गठबंधन किए फेल हुए, दोबारा किए फिर फेल जाएंगे, और फेल होने के बाद ये दोनों यही गाने के लाइन पकड़ेंगे, दरिया में डूब जाएंगे। 13 सीटों पर चुनाव है, क्या प्रेडिक्शन है आपका, किस तरीके से, किस नज़रिए? मेरा मानना है कि हम सबको एक भय था कि बहुत तेज चला था 53 यहाँ का, और 53 बढ़ती जा रही थी, बनारस का 53 हो गया था, बीच में 47-48 हो गया था, तो मौसम भी साथ दे रहा है। आज प्रभु कृपा है, भोलों ने अपने काशी वासियों पर कृपा बरसाया है और इनको लाइन में न लगना पड़े, धूप में न लगना पड़े, इसलिए भोले ने हाँ ठंडी हवा कर दिया है,
और बदली कर दिया है, यह भोलो अपने भक्तों पर कृपा की। क्या कहना चाहेंगे जनता से? कह रहे हैं कि हर महादेव ना, हर हर महादेव, काशी महादेव में है, काशी भोले में है, और काशी भारत में है।